एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि मनु किचन। तो आज आदि मनु किचन से मैं आपके साथ एक ऐसा टेस्टी कुरकुरा नाश्ता लेकर आई हूँ जिसे हमने सिर्फ दो चीज़ों से बनाया है, एक कप पोहा और थोड़े से पत्ता गोभी से। एकदम टेस्टी चटपटा करारा सा नाश्ता है फ्रेंड, और झटपट बन करके तैयार हो जाता है और बनाना बहुत ही सिंपल है। आप इसे वीकेंड में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में कभी भी गर्मा गर्म बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया देखने में, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस टेस्टी चटपटे कुरकुरे से नाश्ते को। इस चटपटे से नाश्ते को तैयार करने के लिए थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी लिया है और एक कप लिया है पोहा। तो ये पत्ता गोभी को मैं सबसे पहले ग्रेट कर लूँगी। पत्ता गोभी की क्वांटिटी आप अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितने लोगों के लिए नाश्ता बनाने वाले हों। मैं ये नाश्ता 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से पत्ता गोभी का ही यूज़ किया है। तो सबसे पहले पत्ता गोभी को हम ग्रेट कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पत्ता गोभी को हमने ग्रेट कर लिया है तो इसे हम साइड में रख देंगे। अभी जार लिया है, उसमें मैं 1 कप पोहा ऐड कर रही हूँ। पोहे को पीस करके इसका हमें फाइन पाउडर तैयार करना है। पोहे को हमने पीस करके तैयार कर लिया है और एकदम फाइन पीस करके तैयार हुआ है। मिक्सिंग बाउल लिया है तो इसमें हम ग्रेट किए हुए पत्ता गोभी को ऐड कर देंगे। और इस नाश्ते को बनाते समय आपको पत्ता गोभी को ग्रेट करके ही लेना है। जो हमने पोहा पीस करके तैयार किया है उसे भी ऐड कर देंगे। इसमें मैं 1 छोटे साइज का प्याज ऐड कर रही हूँ, एकदम बारीक कट करके। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। एक हरी मिर्च ऐड कर देंगे, इसमें आप अपनी पसंद की और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सब्जियां खिला पाएंगे और ये नाश्ता एकदम हेल्दी भी बनकर के तैयार होगा। 8 से 10 कड़ी लीव्स लिया था, उन्हें भी एकदम बारीक बारीक कट करके लिया है। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, 1 छोटी चम्मच व्हाइट वाले तिल भी ऐड करेंगे, बहुत ही क्रंचीनेस आएगा इससे नाश्ते में। 1 चम्मच इसे मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह पर गर्म मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसे मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, चाट मसाला डाला है, चाट मसाले में भी नमक है तो आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, ये सिर्फ हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं। बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को पत्ता गोभी के साथ में मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी में मॉइस्चर होता है तो अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे। मैंने इसमें सिर्फ चाट मसाले और नमक का ही यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गरम मसाला, जीरा पाउडर, जो भी आप खाते हो। सभी चीज़ों को पत्ता गोभी के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है तो 2 टेबल स्पून इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं। बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। इसे हमें एक डो की तरह तैयार करना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि पत्ता गोभी में भी मॉइस्चर होता है और अगर आपके पत्ता गोभी में मॉइस्चर ज़्यादा है तो फिर आपको इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल रही हूँ, जिससे कि ये डो हमारा ज़्यादा गीला ना हो। पोहे का हमने डो तैयार कर लिया है और उस पूरे डो को तैयार करने में मैंने 1/2 ग्लास पानी का यूज़ किया है। पानी की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसका हम नाश्ता बनाएंगे, इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्सचर लेना है और उसे पहले बाइंड कर देना है। इसे एक शेप दे देंगे, आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं इसे सिलेंडर शेप में बनाने वाली हूँ। वैसे सभी नाश्ते को पहले बना लेते हैं उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। नाश्ता हमने तैयार कर लिया है तो इसे अब हम डीप फ्राई करने वाले हैं, अगर आप चाहें तो इसे सेल्फ फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इस नाश्ते को हम हाई टू मीडियम पर फ्राई करेंगे। एक बार में जितने आएंगे उतने को ही फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए एक साइड से नाश्ते को ऐसे ही फ्राई होने देंगे, उसके बाद ही इसे हम पलटाएंगे। 1 मिनट हो गया है, तो एक बार सभी को इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से रोटेट करते रहेंगे, जिससे कि नाश्ता सब तरफ से बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाए। इस नाश्ते को फ्राई करते समय आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, तभी आपका नाश्ता सब तरफ से बढ़िया तरीके से क्रिस्पी होगा। नाश्ते को आप तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये नाश्ता हमारा दोनों साइड से हल्का गोल्डन नहीं हो जाता और एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता, तब तक इसे हमें फ्राई करना है। नाश्ते को मैंने थोड़ी थोड़ी देर में अल्टाते पलटाते हुए ये देखिए सब तरफ से बढ़िया तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है, तो नाश्ते को हम निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और ये नाश्ते का बहुत ही टेस्टी चटपटा कुरकुरा सा फर्स्ट बैच हमारा रेडी है। तो ऐसे ही गर्मा गर्म सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे और फिर इसे हम सर्व करेंगे। पोहे पत्ता गोभी का एकदम कुरकुरा करारा सा नाश्ता तैयार है।
ये देखिए आ रही है ना कितनी बढ़िया आवाज, बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार हुआ। आज मैं इसे सॉस के साथ में एंजॉय कर रही हूँ और ये नाश्ता इतना टेस्टी है ना कि आप इसे सादा ही खाना पसंद करेंगे। बच्चे और बड़े सभी को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो आप मेरे तरीके से इस नाश्ते को ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बच्चे इस नाश्ते के दीवाने हो जाएंगे और हफ्ते में 3 दिन लंच में इसे ही बनाने की जिद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही छोटी सी बेल आइकन दी होगी उसे जरूर प्रेस करें जिससे जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आती रहे। तो मैं ऐसी और नई रेसिपियाँ लाती रहूँगी। बाय बाय एवरीवन।